पंजाब में आईनी बहरान। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर बनने से इंकार कर दिया। तर्जमान मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक गवर्नर हाउस का अमला पंजाब असेंबली में समरी पर दस्तखत के लिए आया था, उसे वापस भेज दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट्स पर साइबर हमला। हुकाम वजारत आईटी के मुताबिक डीडॉस अटैक के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक चौक करने की कोशिश की गई। डीडॉस अटैक में डेटा चोरी नहीं हुआ है। वजारत आईटी ने तमाम मुतालिका इदारों से तफसीलात तलब कर ली। वजारत आईटी के एनटीसी सिस्टम पर साइबर हमले को नाकाम बना दिया गया। वफाकी वजीर आईटी अमीनुल हक का कहना है कि साइबर हमला आज सुबह 11:30 बजे हुआ। साइबर हमले से कुछ महकमों की वेबसाइट्स अस खुद मुअत्तल हुईं। तमाम वेबसाइट्स को 3 घंटे में फाल कर दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लंदन में कोई बड़ा इजलास नहीं, कोई खसूसी एजेंडा लेकर नहीं जा रहे। अपने कायद से सियासी मुशावरत करेंगे और हिदायत लेंगे। आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर भी बात होगी। और वजीर दाखिला राना सनाउल्ला से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मनसब संभालने पर वजीर दाखिला को मुबारकबाद दी।